अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो अपना देख लिया होगा। उसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप किसी वक्त पूछ सकते हैं। आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट इनपुट डिवाइसेस के, और आज हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को और उसमें जो कीज़ हैं या बटन्स हैं उसके उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। मतलब वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं और कौन कौन सी कीज़ जो है हम अपने नॉर्मल जो कीबोर्ड है उसमें यूज़ करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नाउन एज इनपुट। जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इनपुट होती है वो सब चीज़ें, वो सब डाटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन तो यूज़फुल होती है, यूज़फुल डाटा होता है जो हम कभी कंप्यूटर को देते हैं और कभी हम कंप्यूटर और ऑलमोस्ट जो है वो कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। वो सब चीज़ें जो कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी मीन यूज़ करके कोई भी किसी भी चीज़ से उसको इनपुट दी जाए, तो वो हमारी क्या, जिस चीज़ से इनपुट दी जाए तो वो क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट क्या होती है कि जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती हैं वो हमारी इनपुट है, और वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिनको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं या डाटा देते हैं या कोई भी किसी टाइप की भी इनपुट देते हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब जो डाटा है वो हम डिफरेंट वे से जो है वो इनपुट दे सकते हैं उसको, या फिर डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। जस्ट लाइक हम अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड को यूज़ करेंगे, कीबोर्ड आपने आपका कीबोर्ड वर्क नहीं करा तो आप माउस से जो है वो उसे इनपुट दे सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस आप यूज़ करते हुए कंप्यूटर को जो है वो इनपुट दे सकते हैं। वो तमाम डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है वो सब क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस हमारी कहलाती हैं। इसमें हमारे स्कैनर्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा गेम कंट्रोलर जो गेम जिसे हम गेम प्ले करते हैं, या मैग्नेटिक स्ट्रिप रीड कार्ड रीडर्स जो हैं वो सब, इसके अलावा टच पैड, टच स्क्रीन या जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं जिनमें माउस है, इसके अलावा टच पेन है जिसको स्टाइलस भी कहते हैं, स्कैनर्स हैं जिसे हम स्कैन करते हैं, हमारा वेब कैमरा, क्योंकि वेब कैमरा भी जो है इनपुट लेके जा रहा होता है इन फॉर्म ऑफ वीडियो, और इसके अलावा माइक्रोफोन जिसमें जैसे कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन के ज़रिए लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इनपुट जो है वो कंप्यूटर को, हमारे पीसी को, लैपटॉप को, वो इन चीज़ों से मिलती है, और सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं जिसमें हमारे पास स्कैनर है, गेम कंट्रोलर है, माइक्रोफोन है, इसके अलावा कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा ये माउस है जिसे हम इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कि मोस्टली डाटा इंटर करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि किसी जगह भी आप देखें तो जो भी डाटा इंटर हो रहा होता है। माउस के ज़रिए तो सिर्फ हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से जब तक हम टाइप नहीं करेंगे तब तक जो डाटा है वो इसके कंप्यूटर के अंदर इंटर नहीं हो सकता। हाँ, पहले से टाइप शुदा है तो वो एक जगह माउस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कॉपी तो किया जा सकता है, लेकिन उसको टाइप जब उसको न्यू डाटा कंप्यूटर को देना है या मतलब इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स और कोई भी रिटन डाटा है जो कंप्यूटर को हमने प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन्स होते हैं वो सब कीज़ कहलाती हैं, और एक स्टैंडर्ड जो हमारा कीबोर्ड होता है वो 100 कीज़ पर कंसिस्ट करता है। मतलब कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 100 कीज़ होती हैं, और उनकी अरेंजमेंट जिस तरह उसको अरेंज किया जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर आपने अगर यूज़ किया हो कीबोर्ड, लैपटॉप ऑलमोस्ट हर किसी के पास होंगे, तो उस पर आपने कीबोर्ड देखा हो तो उसमें जो लव्ज़ हैं, जो उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, वो इस तरतीब से नहीं है जैसे कि हमारी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, उसमें ये तरतीब नहीं है। उनकी जो अपनी स्पेसिफिक, अपनी स्पेशल जो है अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट की वजह से कंप्यूटर जो कीबोर्ड हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स हैं। कीबोर्ड की जो डिफरेंट कीज़ की अरेंजमेंट है उसको कीबोर्ड की लेआउट कहते हैं। मतलब कि कीबोर्ड लेआउट इज़ अरेंजमेंट ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। जो कीबोर्ड के ऊपर अरेंजमेंट ऑफ कीज़ है
उसको कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। आजकल जो हमारे पास पॉपुलर कीबोर्ड है, जिसकी कीबोर्ड लेआउट जो हम यूज़ करते हैं, वो क्यू डब्ल्यू ई आर टी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने कीबोर्ड देखा हो तो उसकी जो फर्स्ट रो है उसमें देखें तो यही लफ्ज़ यूज़ होते हैं, QWERTY। ठीक है, सबसे जो पहली रो होगी अल्फ़ाबेट्स की तो उसमें यही वर्ड यूज़ होगा, उसके मुताबिक ही इसको नाम दिया गया है QWERTY कीबोर्ड, जिसमें जो फर्स्ट रो होगी डिजिट्स के नीचे उसमें Q होगा WERTY, इसलिए इसकी जो मोस्ट पॉपुलर लेआउट है वो QWERTY लेआउट है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि कीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ कीज़ देखते हैं कि हमारी जो कीबोर्ड है उसमें हमने ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो कीज़ यूज़ की होती हैं, लेकिन कुछ कीज़ ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि इसको कैसे यूज़ करना है, किस काम के लिए यूज़ हो सकती हैं। हाँ, ये है कि हम कभी गलती से उसको प्रेस कर बैठे तो फिर हमें पता लगता है अच्छा ये इसका ये काम था, या फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए कीज़ होती हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कौन सी की का क्या फंक्शन है। तो आज उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे ओल्ड कीबोर्ड थे, क्योंकि जो हमारे आजकल के लैपटॉप्स के कीबोर्ड हैं उसमें वैसे उसमें सेपरेट जो न्यूमेरिक पैड नहीं होता, उसमें ही होता है कीबोर्ड के अंदर ही एडजस्ट किया होता है, और जो सेपरेट न्यूमेरिक कीबोर्ड थे उसके लिए जो हमारा USB कीबोर्ड है या जो सेपरेट कीबोर्ड थे उसके ऊपर आप अगर देखें तो न्यूमेरिक पैड जो है वो फ्रॉम द राइट साइड, ऑन द राइट साइड जो है वो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, उसके अलावा ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जमा माइनस और उसके अलावा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एड मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए जो है वो कीज़ होती हैं जिनको अरिथमेटिक ऑपरेटर कीज़ कहते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर आपने देखा होगा कि नम लॉक का जो है नम लॉक की होगी, नम लॉक अगर आप दबाएं तो तभी जो हमारा की पैड है या न्यूमेरिक पैड है तो वो तभी वर्क करता है। उसके अलावा अगर उसको हम उसको प्रेस करें उसकी जो लाइट है अगर ऑन हो तो जिस जो इंडिकेट कर रहा होता है कि जो आपका नम लॉक है वो ऑन है तो आप उससे टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाती है, जिससे ये इंडिकेशन आता है कि ये जो नम लॉक है ये ऑफ़ हो चुका है, अब आप कीज़ यूज़ नहीं कर सकते। अक्सर आपने अगर आप बैंक्स में देखें या अगर किसी भी शॉपिंग मॉल में देखें तब वो एंट्रीज़ कर रहे होते हैं तो नंबर्स की फिगर्स की एंट्रीज़ के लिए वो अपना जो राइट हैंड है वो जो न्यूमेरिक कीपैड है उसी के ऊपर रखते हैं और उसी से एंट्रीज़ करते हैं, वरना जो हमारा कीबोर्ड है उसके फर्स्ट रो जो फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक, उसके नीचे जो हमारे डिजिट्स होते हैं लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, न्यूमेरिक कीबोर्ड को ही यूज़ करते हुए हम अपने जो डिजिट्स हैं वो एंटर करते हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज़ जो फर्स्ट रो होती है हमारे कीबोर्ड की F1 से लेकर F12 तक जो है वो लोकेटेड नाम होता है उनका, और वो ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड जो है वो लोकेटेड होती हैं। उनके हर कीबोर्ड हर की के अपना एक फंक्शन होता है और नीचे एक फंक्शन की होती है एंड के ऊपर आखिरी लाइन के ऊपर, जिसको हम जिसको प्रेस करके फिर किसी फंक्शन की को हम प्रेस करें तो तभी वो वर्क करती हैं, वरना अगर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उसको आप उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि माउस के ज़रिए मैं सेव एज़ जो है वो ना करूँ या सेव एज़ का ऑप्शन जो है वो उसको आपको एक ही की से आप करना चाहते हैं तो आप F12 दबाएँगे तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपने कहाँ सेव करना है आपके सामने सेव एज़ का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक बार आप रिफ्रेश करते हैं, उसके अलावा F5 जो है वो फंक्शन की है बार बार अपने आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, तो उस F5 का जो क्या पर्पस है वो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर Alt और F4 को दबाएं तो आपको आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा स्लीप पे उसको लेके जाना है बजाय इसके कि आप पहले उसके विंडोज़ के ऑप्शन में जाएं उसके बाद उसको शट डाउन करें, आप Alt प्लस F4 प्लस प्रेस करें तो क्या होगा कि ऑप्शन आ जाएगा आप कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं यूज़र को, या स्लीप पे लगाना चाहते हैं, या हाइबरनेट करना चाहते हैं, या रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा, प्रॉम्प्ट होगा, मतलब कि अचानक से जो आपके सामने एक बॉक्स आएगा उसके अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक कीज़ जो हमारी
मेन जो सबसे ज़्यादा कीज़ होती हैं, मतलब कि पूरे अल्फ़ाबेट्स उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, हर अल्फ़ाबेट के लिए एक सेपरेट की होती है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स के ऊपर 1 से लेकर 0 तक तमाम डिजिट्स होते हैं, और डिजिट्स के ऊपर भी जो मज़ीद साइन जो सिंबल्स होते हैं, जो स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि वो स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं इसलिए उनको वन प्रेस पे नहीं रखा गया, उसके साथ किसी की को अटैच किया गया है। जैसे कि शिफ्ट की कीज़ जो है वो Shift+2 दबाएंगे तो ऐड का ऑप्शन, जैसे @gmail.com में ऐड जब आपने लिखना हो तो Shift+2 को दबाएंगे तो क्या होगा कि वो ऐड लिखा जाएगा। इसी तरह आपकी बैक स्पेस की की जो बैक स्पेस की यूज़ होती है कि एक नंबर को या एक लेटर को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड से टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर की लेफ्ट साइड से आपको उसको रेरेज करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं बैक स्पेस। उससे आप किसी भी नंबर को या किसी भी लेटर को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटर की जो है वो कोई भी डाटा को इनपुट डाटा के लिए, या फिर कमांड, कोई भी हमने कमांड दिए, जैसे कि अगर मैंने प्रिंट निकालना है, Ctrl P किया है तो वो प्रिंट का शॉर्टकट है Ctrl P दबाया, उसके बाद जब तक मैं उसको प्रिंट पे क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो प्रिंट नहीं होगा, या फिर मैं इंटर की नहीं दबाऊँगा। ये तो हो गई कमांड की एग्जांपल, के एक मैंने प्रिंट की कमांड दी है और एंटर किया तब जाके वो प्रिंट निकला। या फिर अगर आपने डाटा इनपुट करना है, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह आप डाटा जो है वो एंटर कर रहे हैं, आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी भी जगह पे किसी भी डायलॉग बॉक्स के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर कोई डाटा एंटर किया, जब आप एंटर करते हैं तो वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कैप्स लॉक की, जो आपको ज़्यादा वाजे आपके जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर नज़र आ रही होती है। कैप्स लॉक की यूज़ होती है इट्स अ टॉगल की, मतलब टॉगल कीज़ में हमारे पास नम लॉक भी आ जाता है, स्क्रॉल लॉक भी आ जाता है, इसके अलावा कैप्स लॉक भी आ जाता है। ये ऐसी टॉगल की एक ऐसी की होती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए यूज़ होती है, या दो फंक्शंस के दरमियान स्विच करने के लिए यूज़ होती है। वो कैसे कि अगर आप कैप्स लॉक ऑन करें तो जो आप टाइप करेंगे वो सारे अपर केस मतलब कि कैपिटल फॉर्म में जो है वो सारे जो भी टेक्स्ट टाइप होगा वो कैपिटल फॉर्म में होगा। अगर आप उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो अपना जो वो जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, मतलब जो हमारा लोअर केस है, मतलब कि स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट्स में टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो फंक्शंस के दरमियान स्विच करने के लिए या एक फंक्शन को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह नम लॉक है, नम लॉक प्रेस करेंगे तो हमारा जो कीबोर्ड है, न्यूमेरिक की पैड है, वो वर्किंग में आ जाएगा। स्क्रॉल लॉक जो है वो भी इसी तरह है कि आप माउस जो है आपका उससे स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन आप जब उसको फंक्शन के साथ उस की को प्रेस करते हैं जिससे आपकी फंक्शन कीज के ऊपर आपको इंडिकेशन भी होगा कि आप माउस जो है वो आपका आप उसे वर्क नहीं करना चाहते, स्क्रॉल नहीं करना चाहते, तो आप Function+ जैसे कि F3 किसी उसमें होता है लैपटॉप में PCs में, तो आप 3 दबाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो माउस है वो वर्क करना ख़त्म हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकेगा, उस कर्सर जो है वो बिल्कुल वर्क ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके बाद जो अगली की है वो है टैब की। आप देखा होगा जो कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक के ऊपर ही टैब की होती है जो कि कर्सर को एक फील्ड से नेक्स्ट फील्ड में लेके जाने के लिए, या एक टैब स्टॉप से नेक्स्ट टैब स्टॉप तक लेके जाने के लिए। फॉर एग्जांपल किस तरह अगर आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं ऑन द लैपटॉप, तो आपने पहली फील्ड जो ईमेल की या नंबर की फील्ड है या यूज़र नेम की फील्ड है, उसके अंदर आपने अपना यूज़र नेम, नंबर या कोई भी ईमेल एड्रेस लिखा है, उसके बाद आपने टैब दबाया, तो टैब दबाने से क्या होगा कि जो कर्सर होगा वो ऑटोमेटिकली आपके जो पासवर्ड वाली फील्ड होगी या आपका जो पासवर्ड वाला जो बॉक्स होगा उसके अंदर खुद ब खुद चला जाएगा। तो इसी तरह अगर आप फिर दोबारा से, ये तो एग्जांपल हो गई फील्ड्स के दरमियान, ये दो फील्ड्स कहलाती हैं, यूज़र नेम की फील्ड या पासवर्ड की फील्ड, ये फील्ड कहलाती है। इस फील्ड अब फील्ड की एग्जांपल हो गई कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड में चले जाने के लिए। इसके अलावा अब जब आप पासवर्ड लिख लें तब आप दोबारा जब टैब दबाएंगे
टैब दबाने से वो उस पे चली जाएगी आपके लॉगिन वाले बटन के ऊपर, जो आपका जो कर्सर है वो किस पे चला जाएगा, लॉगिन वाले बटन के ऊपर। तो ये नेक्स्ट टैब स्टॉप के लिए भी यूज़ होती है। मतलब कि नेक्स्ट टैब स्टॉप उसका क्या था कि पहला टैब स्टॉप क्या था कि वो फील्ड में हो, यूज़र नेम की फील्ड में हो, फिर हम दोबारा टैब दबाएँ तो वो किस में चला जाए, पासवर्ड की फील्ड में चला जाए, जब हम दोबारा टैब दबाएँ तो वो नेक्स्ट किस पे चला जाता है, लॉगिन के बटन के ऊपर। तो जैसे ही हम लॉगिन के बटन पे जाते हैं वहाँ पे हम इंटर की यूज़ करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और हम लॉगिन हो जाते हैं, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है तो। नेक्स्ट कीज़ हमारे पास है मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ जो हैं वो कंट्रोल की, हमारी ऑल्ट की, हमारी शिफ्ट की जो है वो हमारी मॉडिफायर कीज़ हैं, क्योंकि ये दूसरे कीज़ की इन जो इन दूसरे कीज़ को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट यूज़ होते हैं कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वर्ड प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कंट्रोल ए दबाएंगे तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, वरना हमें माउस से जो है वो उसको सेलेक्ट करना पड़ता। तो इसी तरह हमने दो कीज़ प्रेस की कीबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल ए, तो वो सारा टेक्स्ट जो है वो उसमें कैप्चर हो गया, पूरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर हमने कंट्रोल प्लस सी दबाया किसी टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर तो वो कॉपी हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल वी किसी जगह प्रेस करेंगे तो वो कॉपीड जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये जो दूसरी कीज़ होती हैं उनके वर्क को, उनकी फंक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल प्लस ओ दबाएं तो क्या होगा कि कोई भी फाइल जो है वो ओपन करने के लिए हमें कि विंडोज़ के अंदर आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाएं तो क्या होगा कि जो भी फाइल आपके सामने ओपन होगी वो बंद हो जाएगी। अब कंट्रोल ओ दबाएं तो कंट्रोल ओपन से क्या होगा कि कंट्रोल ओ से क्या होगा कि फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट कमांड्स के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास आल्ट की है। आल्ट की जो है वो ये भी खुद जो है वो जब किसी और कीज़ के साथ इसको मर्ज किया जाता है तो इसके फंक्शंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी प्रोग्राम को क्लोज़ करना चाहते हैं या हम अपना जो कंप्यूटर पीसी है उसी को शट डाउन करना चाहते हैं तो हम आल्ट प्लस F4 दबाते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ड प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं या पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं उसमें हम आल्ट दबाते हैं तो सारे आप देखेंगे कि मेन्यू बार के ऊपर जो मेन्यू आपका होगा उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो की अल्फा वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो आप उस वर्ड को जब दबाएंगे तो आप उस ऑप्शन में चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप आर्ट दबाते हैं, आप एफ़ दबाते हैं, एफ़ में एफ़ से दबाने से आप कहाँ चले जाएंगे, जो ऑप्शंस में चले जाएंगे वर्ड प्रोसेसर के अंदर। इसी तरह जो आर्ट की है ये भी दूसरी की के फंक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेल यूज़ करने के लिए जब आप इंटर दबाते हैं तो वो नेक्स्ट फील्ड के अंदर चला जाता है कर्सर, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही उसके अंदर हम दूसरी लाइन लिखें एक ही बॉक्स के अंदर तो उसके लिए आपको इंटर अकेला इंटर वर्क नहीं करेगा, उसमें आल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो फिर जो है वो उसी बॉक्स के अंदर उसी जो आपकी जो आपका बॉक्स है उसी के अंदर आप न्यू लाइन के अंदर लिख सकते हैं जो आपका सेल होता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं उनको सेल्स कहते हैं। उसी सेल के अंदर आप न्यू लाइन के अंदर लिखना चाहते हैं तो आपको आल्ट प्लस एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट की है वो शिफ्ट की। शिफ्ट की को आपका आपको पता होगा कि शिफ्ट जो है प्रेस करने के बाद हम जो जो भी लेटर है उसको कैपिटल लिखना चाहते हैं उसको शिफ्ट दबा के वो वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसको प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल में अप्पर केस में कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। या अभी कोई भी सिंबल लिखना चाहते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आप शिफ्ट प्लस 2 दबाएँगे तो क्या जो है हमारा ऐड का जो सिंबल है वो अपेयर हो जाएगा वर्ड के ऊपर या किसी जगह के ऊपर जहाँ टाइप करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं विद इन अ टेक्स्ट या अराउंड विद इन अ टेक्स्ट मूव कर्सर को मूव कराने के लिए या अराउंड द स्क्रीन जो है वो कर्सर को मूव कराने के लिए यूज होती हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ जो हैं वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं क्योंकि इसके अंदर क्योंकि ये जो हमारा कर्सर होता है उसको कंट्रोल करती हैं इन ये। फॉर एग्ज़ाम्पल होम है, एंड है, एरोज़ हैं या अप पेज है या डाउन पेज की है, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। जो हमारी होम की है ये यूज़ होती है कि हम
फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्क्रॉल करते 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 किसी वेबसाइट में बिल्कुल एंड तक चले गए, या किसी डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करते करते बिल्कुल एंड तक चले गए, जब हम होम प्रेस करेंगे तो हम सबसे पहले पेज के ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर जो है वो चले जाएंगे। इसी तरह एंड जब हम प्रेस करेंगे, कोई भी हमने बुक ओपन की है, हम एंड की प्रेस करेंगे तो हम सबसे एंड वाले पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसी तरह जो एरोज़ आप देखेंगे, एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं इस कीबोर्ड के अंदर, एरोज़ बने होते हैं उसके ऊपर, आप डाउन लेफ़्ट और राइट की तरफ उसके मुंह होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वो कर्सर को टेक्स्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या फिर पेज अप करने के लिए, पेज डाउन करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। पेज अप जो पेज अप की है वो भी पेज अप करने के लिए यूज़ होती है, या कर्सर को ऊपर अप ऊपर लेके जाने के लिए, मतलब कि फर्स्ट पेज के ऊपर या उससे अगले पेज के ऊपर, क्योंकि जब होम प्रेस करेंगे तो सीधा आप फर्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आप थर्ड पेज पे हैं, आप चाहते हैं कि सेकेंड पेज पर जाएँ, या थर्ड पेज पे हैं तो फोर्थ पेज पे चले जाएँ, तो अब पेज अप और पेज डाउन की जो कीज़ हैं वो यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा कर्सर है वो डाउन और अपवर्ड मूव कर सके। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल पर्पज़ कीज़ यूज़ होती हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास इस्केप हो गया, ESC जो हमारी की है, इसके अलावा डिलीट है, इंसर्ट है, प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक है, या पॉज ब्रेक की है, ये सब कीज़ जो है हमारे स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। इस्केप की किसी कमांड को टर्मिनेट करने के लिए, या किसी टास्क को, करंटली टास्क जो हमारे पास हो रहा हो उसको ख़त्म करने के लिए, उससे एलिमिनेट करने के लिए हम जो है वो इस्केप की यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह आप अपने नोट किया हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, या वो उसमें आप टर्मिनेट उसको करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है प्रेस इस्केप टू टर्मिनेट, तो इस्केप हम प्रेस करते हैं तो हम उस वो जो हमारे पास टास्क परफॉर्म करंटली हमारी स्क्रीन पे अपेयर होता है वो ख़त्म खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास डिलीट की है वो सिंगल लेटर को या नंबर को जो है वो राइट फ्रॉम द राइट साइड डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। वो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट किया है, उससे आपने डिलीट जो है वो प्रेस कर दिया है, तो वो डिलीट हो जाएगा और आपकी रिसाइकल बिन में चला जाएगा। लेकिन आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्लस डिलीट एक साथ दबाते हैं, तो वो जो आपकी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा या कोई भी चीज़ सेलेक्ट की होगी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। इसी तरह प्रिंट स्क्रीन है, प्रिंट स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो आपका स्क्रीन शॉट लेने के लिए, आपके मोबाइल्स में तो दो कीज आप प्रेस करते हैं या सेंसर होते हैं उसमें आप उसमें स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है उसमें स्क्रीन शॉट लेने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन की जो है वो की यूज़ करते हैं। आप अपना विंडो और प्रिंट स्क्रीन को दबाएंगे तो आपकी जो स्क्रीन है उसका स्क्रीन शॉट लेके आपके पिक्चर फोल्डर में सेव हो जाएगा। इसके अलावा पॉज ब्रेक जो हमारे पास की है यूज़ होती है, कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आपकी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है और वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप उसको चाहते हैं कि आप उसको रोक लें, तो आपको पॉज या ब्रेक की आप उसको प्रेस करेंगे तो उसी जगह जो है वो स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा स्क्रॉल लॉक की जो है वो कर्सर को लॉक या अनलॉक करने के लिए यूज़ होती है। इन सम प्रोग्राम मतलब कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आपने थोड़ी देर के लिए रुकना है, या उसमें आप नहीं चाहते कि जो है आप माउस से जो है वो वर्क करें, तो आप उसमें स्क्रॉल जो है स्क्रॉल लॉक से आप उसको स्क्रॉल लॉक की से आप जो आपका कर्सर है उसको स्टॉप कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे, तो आप कर्सर को कहीं पर दोबारा मूव नहीं कर सकते, मतलब आपका जो माउस है वो लॉक हो जाता है, आपका माउस जो है वो फिर यूज़ नहीं होता, या अगर लैपटॉप यूज़र है तो आपका जो टच पैड है वो यूज़ नहीं होता, टच स्क्रीन नहीं, जो आपका टच पैड है जिसके जो आप एज अ माउस जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो खुद ब खुद लॉक हो जाता है। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट कीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं, और इनको इसी तरह हमारे पास जो इंसर्ट की है, इंसर्ट की यूज़ होती है ताकि क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपके जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GUI बेस्ड नहीं था, मतलब उसमें कोई आइकन्स नहीं थे, उसमें डिफरेंट जो आप ग्राफिक्स देखते हैं ऐसा नहीं था, ब्लैक स्क्रीन थी या ब्लू स्क्रीन थी, उसके ऊपर लाइंस कमांड्स लिखी जाती थी, अगर आपको कोई लाइन या कमांड
गलत लिख दी है तो आपको सारी लाइन जो है वो इरेज करना पड़ती थी, लेकिन इंसर्ट की के ज़रिए आप उसको आप सिर्फ उसके वहाँ जाकर उस जगह जाकर मतलब कि जहाँ पे आपके एरर आया है या गलती आई है आप उस जगह पे कर्सर ले जाकर उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट की जब आपकी ऑन होगी, इंसर्ट की ऑन होगी तब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो वो उसके अंदर खुद ब खुद वो लफ्ज़ जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपकी इंसर्ट की ऑफ होती थी तो क्या होता था कि वो अगले लफ्ज़ को ख़त्म करता जाता था, अगले लफ्ज़ पे ओवरराइट होता जाता था। लेकिन जब आप इंसर्ट की प्रेस करते थे तो वो ओवरराइट नहीं करता था, वो टाइप ओवर करता था, मतलब कि उसमें न्यू वर्ड का एडिशन कर देता था, जो पहले से लिखे हुए वर्ड थे उनको नहीं मिटाता था। आजकल तो हमारे वर्ड में अगर हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं जैसे कि नॉर्मल, अगर मैंने वर्ड लिखे और उसमें मैं अपना जो एम है वो लिखना भूल गया हूँ तो मैं कर्सर को पीछे लेके जाता हूँ और वहाँ पे एम प्रेस कर देता हूँ और एम जो है वो वहाँ पे टाइप हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं जब एम प्रेस करता था तो उसके आगे ए था वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता था, फिर मुझे मतलब कि सारा इरेज करके जो एरर होता था उसको दोबारा लिखना पड़ता था। तो इसलिए जो इंसर्ट की हम फिर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उसके बाद अब तो ऐसा है कि हम कहीं भी जाकर उसको कुछ भी लफ्ज़ लिखें तो वो जो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो मिटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। तो इसी तरह इंसर्ट की को यूज़ करते हुए हम जैसे कि नॉर्मल है NOR डैश ए लिखा हुआ है, मतलब कि डैश की जगह खाली है तो उसकी जगह हम मैं अगर एम प्रेस करता हूँ, अगर इंसर्ट की ऑन है तब लिखा जाता और ए जो है वो अपनी जगह पे ही रहता, मतलब कि टाइप ओवर होता, ओवर राइट ना करता उसको, मतलब उस ए की जगह पे एम ना लिखा जाता, न्यू स्पेस वहाँ पे क्रिएट होती थी। ये इंसर्ट का फंक्शन था। ये हमारे जो है कीबोर्ड है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये हमारा एस्केप बटन है, इसके अलावा एस्केप की है, ये टैब है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये हमारा होम या विंडो, उसके अलावा ये पॉज ब्रेक, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, इंसर्ट, डिलीट, ये भी इंसर्ट की है जो कि INS लिखा होता है, इसके अंदर भी हमारे पास इंसर्ट की है, क्योंकि गलतियां जो है वो सिर्फ नुमेरिक्स में नहीं, अल्फा नुमेरिक में सिर्फ नुमेरिक्स में भी नहीं होती थी और सिर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट्स में नहीं होती, दोनों में गलती हो सकती थी, इसलिए यहाँ पे भी इंसर्ट की अलग से है और यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट की जो है अलग से है। इसके अलावा ये एरोज़ हैं जो यूज़ होती हैं और ये स्पेशल पर्पज़ कीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास मोडिफायर्स हैं वो हमारी स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं और स्पेशल पर्पज़ कीज़ हमारी इस्केप हो गया, डिलीट जो है वो ये हमारा डिलीट, उसके अलावा प्रिंट स्क्रीन जो है हमने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन जैसे ये बटन है तो इसको हम प्रेस करेंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।